वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकेंड चैनल और फैमिली चैनल, दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है फ्रीडम का। आई पजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ऑन हैप्पीनेस। ओके, पहले एक तो कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। ओके, लास्ट रीडिंग में भी था ये कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ग्रीव, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एनवी का कार्ड। आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। तो आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल रही है किसी ऐसे एनवी से, किसी इस तरह की एनर्जी से जो कि अगेन आपसे जेलस है। देखिए, जेलस की एनर्जीज ना बहुत स्ट्रांग है। जेलस और आपके आगे बढ़ना, आपकी ग्रोथ होना, आपको सक्सेस मिलना, ये एनर्जीज बहुत है भाई। उससे बहुत तकलीफ हो रही है किसी को कि आप किसी बुरी एनर्जी से, किसी डेविलिश एनर्जी से या किसी के पजेशन से बाहर निकल रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। और इसमें चैलेंजेस जो भी आए हैं, चाहे उसमें ग्रीफ हो रहा है, क्योंकि चैलेंजेस भी हैं और ग्रीफ भी हैं। जब चैलेंजेस आते हैं तो आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन ग्रीफ के साथ साथ हैप्पीनेस भी है। आई पजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ऑन हैप्पीनेस। तो अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करने की जो फ्री विल है, जो शक्ति है, जो आपकी इच्छा शक्ति है और जो आपके अंदर शक्ति है, पावर भी है और फ्री विल भी है, वो आपकी हैप्पीनेस क्रिएट करने में आपकी मदद करती है। लेकिन लाइफ में हमारे लिए चैलेंजेस दूसरे हो जाते हैं, या एनवी लोग जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, आपके एनिमी बनते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली वो आपके लिए उन चीज़ों को मुश्किल बनाते हैं। डिफरेंट चैलेंजेस की बात करता है यहाँ पे कार्ड, क्योंकि आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। दोनों में ही चैलेंजेस का कार्ड है। तो यहाँ पर आपका कोई एनवी पर्सन या फिर कोई एनिमी या फिर कोई आपसे जो बुरी भावनाएं रखता है, वो इंसान आपको कुछ डिफरेंट चैलेंजेस देने की कोशिश कर रहा है या आपको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है डिफरेंट तरीकों को अप्रोच करके। इस बात को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अगर आपको फ्रीडम मिल रही है और इसका लॉस हो रहा है, तो ये इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा ये, क्योंकि ये जो कार्ड है ये सोल जर्नी ऑरेकल डेक है। तो यहाँ पे आप जो लेसन लर्न करते हैं इस धरती पर, उससे रिलेटेड है। तो हमको अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है और उससे हम लर्न करते हैं, सीखते हैं। हम जब ये सीख पाते हैं कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ग्रीफ का मतलब यही होता है कि अपने दर्द को देखना। तो यहाँ पर ये कोई ऐसा पर्सन जो या तो आपको डिफरेंट तरीके से पेन देना चाहता है, डिफरेंट तरीके से चैलेंज करना चाहता है आपको पेन दे के, या फिर ये इंसान जो भी इसकी फेलियर देखे, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो यहाँ लर्निंग का कार्ड है, द बेस्ट वे टू लर्न। चैलेंजेस हैं और लर्निंग है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि कौन लर्न कर रहा है, कौन चैलेंजेस दे रहा है और कौन उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके किसी वुंड को, आपके किसी पुराने जख्म को जिंदा करने की कोई कोशिश कर रहा है या की है किसी ने, और उस बात का इंतजार कर रहा है या करना चाहता है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब तक लोग आपको चैलेंज करेंगे नहीं, जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था, जब तक लोग आपको चैलेंज करेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने में सक्षम हैं। अपनी काबिलियत के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उनको देखना पड़ता है, आप चाहें या ना चाहें। देखिए, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, है ना, मैं शांति से अपना काम कर रही हूँ। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, ना पास्ट के लोगों से, ना ही यहाँ के लोगों से, ना किसी से नहीं। अपना काम कर रही हूँ, अपना एग्जाम्पल ही दे सकती हूँ ना आपको, आपका तो नहीं दे सकती, ताकि आप सिंपल शब्दों में समझ सकें। लेकिन फिर भी लोगों को दिक्कत है,
चाहे वो अपने पराए कोई भी हैं, जाने अनजाने कोई भी हैं, जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को अपना बना लेना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ को जीना चाहते हैं, जो ज़बरदस्ती आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बस आपसे जेलस हैं। ये ऐसी ही एनर्जीज है। जब आप अपने जीवन को जी रहे हैं और आप सफ़र नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप पीड़ित नहीं हैं, तो आपकी पीड़ा ना होने से लोगों को पीड़ा है। वही वाली बात है जो कही जाती है, अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना कि दूसरों की खुशी से, या उनको लगता है कि दूसरे की थाली में शायद पकवान है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा सिर्फ सूखी रोटी खा रहा हो, आपको दूर से लग रहा है बहुत पकवानों से खा रहा है। तो लोगों का जो दृष्टिकोण होता है, कहने का मतलब, सूखी रोटी खाने में भी कोई बुराई नहीं है, उसका भी टेस्ट बहुत अलग होता है। तो ये कुछ ऐसा ही है जहाँ पे आप अपने काम को कर रहे होते हैं, लोगों को दिक्कत है, तो ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन है जहाँ पर आपको किसी से कोई मतलब नहीं है और लोग आपकी सारी सिचुएशंस में टांग अड़ा रहे हैं। द टावर बहुत अच्छी बात है, ये भी टावर का ही कार्ड है। तो आपकी फ्री विल में कोई टावर क्रिएट करना चाहता है, या फिर आपकी फ्री विल की वजह से, आपकी चॉइसेस की वजह से, अपनी हैप्पीनेस को चूज करने की वजह से, अपनी फ्रीडम को चूज करने की वजह से टावर मूवमेंट आ रहे हैं। ये जो फ्रीडम है, जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग में आपको बताया भी था कि आपके टावर के नीचे ही आपका दम घोट देना चाहते हैं कि जब ये टावर गिरे तो आपको सांस भी ना आए और इसी टावर में आप सफोकेट हो जाएं, आपका दम घुट जाए और आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़ सकें। और दूसरा ये बात ध्यान रखिएगा, रीडिंग रेजोनेट होती है तो लीजिए, एक नॉर्मल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, ठीक है, आपकी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। बिल्कुल आपको उतने ही मैसेजेस लेने चाहिए जितने रेजोनेट होते हैं। तो एट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। एट ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आपके लिए आगे बढ़ने की, लड़को करने की। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो आपने अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, यानी कि ये कार्ड बात करता है इमोशनल टर्मोइल की भी, कहता है इमोशनल डिसबैलेंस की बात करता है। बेसिकली टर्मोइल की बात तो नहीं करता, लेकिन इमोशनल डिसबैलेंस की बात करता है। जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कहाँ से आते हैं, आपको किस चीज़ के लिए चैलेंज हो, आप करते हैं, आपको जो चैलेंजेस आते हैं वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा चैलेंज करते हैं, आपकी फीलिंग्स में, आपके मन में, आपके इमोशंस में, है ना। आपके इमोशंस ही आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ के लिए सबसे बेहतर क्या है। ये मैंने कहीं सुना भी था कि आप जो फील करते हैं, आपको जो फीलिंग्स होती हैं ना आपकी लाइफ में, हालांकि देखिए जो लोग मैनिपुलेट करते हैं उन चीज़ों को, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनको अपने बारे में पता है, जब आपके इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, आपको अच्छा बुरा लगता है, आपको किस तरह का महसूस हो रहा है। देखिए अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और अगर आप गुस्से में रहते हैं, अगर आप में बदले की भावना है, रिवेंज की भावना है, एनवी वाली भावना है, जेलसी है, हेट है, एंगर है, दूसरों की खुशी को देख के खुश ना होना है, और बहुत लोगों में होता है, कई लोग कहते हैं हमें जेलस नहीं होती है, लेकिन अगर आप किसी की आप मान लीजिए आपको ये न्यूज़ आती है कि किसी की लॉटरी लग गई है, अरे यार उसकी लॉटरी लग गई, हमारी नहीं लगी यार, हमारी लग जाती, बेहतर ये नहीं है कि आपकी लग जाती, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले उस इंसान को अप्रिशिएट किया जाए, पहले होता अरे यार काश हमारे साथ भी ऐसा होता। तो अब चाहना गलत नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस को देखना कि आपके कौन से इमोशंस पहले आते हैं, क्या आप उस इंसान के लिए खुश हुए, चाहे आप उसे जानते हैं या आप नहीं जानते, खुशने की बात है। क्योंकि जब हम अपने पेन में होते हैं तो हम पेन को देखना चूज करते हैं, हम खुशियों को देखना चूज नहीं करते, और जब हम अपनी खुशियों को या फिर अपनी हैप्पी वाली फीलिंग्स को, सेटिस्फेक्शन को, हीलिंग को, या फिर सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी फीलिंग है, संतोष होना बहुत बड़ी फीलिंग है, अगर आप सूखी रोटी में भी खुश हैं तो फिर आपको किसी भी पकवान की ज़रूरत नहीं है, और अगर पकवानों का ढेर लगा है आपके आगे, या फिर आप पकवान खरीदने की क्षमता रखते हैं, आप पकवान बनाने की क्षमता रखते हैं, फिर भी खुश नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि अंदर से खुशी नहीं आ रही है। और जैसे कहते हैं कि हैप्पीनेस इज इनसाइड जॉब, तो ये वही है कि हैप्पीनेस इज इनसाइड जॉब। जो हैप्पीनेस है, क्रिएट करना अंदर का काम है, और वो तब हो पाता है जब आपके जो भी इमोशंस और फीलिंग्स आपको चैलेंज करते हैं लाइफ में, उससे आप क्या लर्न करते हैं। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि ये कप का कार्ड है, ये सारी बात कहने का उद्देश्य ये था आपको। वैसे यहाँ मून की एनर्जीज है, तो फुल मून के ऊपर या न्यू मून के ऊपर या फिर जिस भी चीज़ के ऊपर मैजिक की एनर्जीज है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, टेन ऑफ कप्स, तो आपके रिश्तों के ऊपर हो सकता है, आपके एक फुलफिलमेंट के ऊपर हो सकता है कि ये टावर मूवमेंट गिराने की, या फिर आप सेटिस्फाइड खुद को ना कर सकें तो आपके इमोशंस के ऊपर किसी ने टावर गिराने की कोशिश की है, या फिर आपको इमोशनली किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी, क्योंकि इसी तरफ गिरा है इसलिए यहाँ रख लिया है, कोई आपके पुराने वुंड को
पुराने जख्म को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं रीडिंग में भी क्या आता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लोग क्या करते हैं ना, लोग आपको डिफरेंट तरीके से चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। जब वो देखते हैं ये काम नहीं हो रहा है तो चलो कोई पुरानी घटना निकाल के लाओ, पुराना इंसान निकाल के लाओ, पुरानी सिचुएशंस निकाल के लाओ, कुछ ऐसी बात निकाल के लाओ जहाँ कहीं तो जख्म मिला होगा, कहीं तो कुछ हुआ होगा। नहीं तो जो जान पहचान वाले लोग हैं, अरे इसके जीवन में तब इस एज में ना ये घटना हुई थी, अरे इसके जीवन में ना तब ये घटना हुई थी, अरे इसको तब ना इसने इसका दिल तोड़ा था, अरे तब इसने इसके साथ बुरा किया था, अरे तब इसने इसके साथ धोखा किया था। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं ये। डेफिनेटली एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट। और डेविड क्या काम करता है, बाइंडिंग ब्लॉकिंग की बात करता है। तो आप किसी के चंगुल से आजाद हो गए हैं, यानी कि आपके ऊपर जो बाइंडिंग स्पेल किया गया था वो यहाँ पे खत्म हो गया है। स्पेसिफिकली ये लव स्पेल की या फिर किसी टॉक्सिक एनर्जी की बात करता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप की। ठीक है, ये रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कप्स का कार्ड है। तो अगर आप इसे रेजोनेट हो लीजिएगा, नहीं हो तो जाने दीजिएगा। तो किसी ने आपको या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से, अच्छा, किसी ने आपको लॉन्ग टाइम से किसी लव स्पेल के अंदर या लस्ट स्पेल के अंदर, एनर्जी यही है, रेजोनेट हो तो लीजिएगा, नहीं हो तो जाने दीजिएगा, आपको बाइंड कर रखा था और आप उससे छूट गए हैं। तो ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ में आप एक्टिव हैं इस तरह से, यानी कि फिजिकली आप एक्टिव हैं ऐसे किसी पर्सन के साथ में, या आप रहे हैं या फिर आप बार बार होते रहे हैं एक्टिव उस पर्सन के साथ में फिजिकली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हर चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी, ठीक है। अगर ये फिजिकली नहीं है तो ये इमोशनली है, क्योंकि मे बी आप इमोशनली अटैच हों या फिर आप इमोशनली अटैच रहकर दूसरे इंसान को फिजिकली सेटिस्फाइड करते रहें, ये वैसी एनर्जीज भी हैं। नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स के बाद और एट ऑफ कप्स के बाद और डेविल की एनर्जीज के बीच में है ये नाइन ऑफ कप्स, यानी कि जैसा आया है वैसे ही रखा है। तो आपकी हैप्पीनेस से जुड़ी हुई हैं ये चीज़ें। आपने अपने आप को, आपने एक्चुअली उन इमोशंस को छोड़ दिया है। ये फ्रीडम जो आपको मिली है ये इसलिए ही, आपने एक्चुअली उन इमोशंस को छोड़ दिया है जो आपको सर्व नहीं करते, जो रिश्ते आपको सर्व नहीं करते या जिसमें आपने पोटेंशियल नहीं देखा। और ये पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि आप गलत इमोशंस में, क्योंकि अगेन इमोशन का कप यहाँ पे, इमोशन का कार्ड है, ठीक है, नाइन ऑफ कप्स का। तीन कार्ड जो हैं लाइन से कप के हैं, यानी कि इमोशन की बात करता है। तो ये बात करता है, ये कार्ड बात करता है आपके लिए वाटर साइंस की, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस की। तो या तो आप हैं या फिर जो लोग कर रहे हैं वो हैं स्ट्रॉन्ग कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ठीक है। अब इसके नीचे है डिनाइल का कार्ड। आई एक्नॉलेज माई फेयर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो भी इंसान एनवी कर रहा है आपसे, या तो देखिए पास्ट में किसी ने की, अब उस इंसान को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, जिसके चांसेस कम ही है। एनवी के साथ में ही अगर हम नीचे ये देखें कार्ड कौन सा आ रहा है, पेज ऑफ सोर्ड का, तो ये कोई ऐसा इंसान आपसे एनवी कर रहा है, कोई मेल या फीमेल ऐसी हो सकती है जो आपसे एनवी कर रही है, जो आपसे एज में छोटी है, चाइल्ड है, छोटी एज का पर्सन है ये, या फिर ये चाइल्डिश है, यानी कि ये पर्सन या तो चाइल्डिश वाली एनर्जी के साथ में काम कर रहा है जहाँ पे बचपना है और समझदारी नहीं हो रही है, क्योंकि डिनाइल है, डिनाई किया जा रहा है कि नहीं चीज़ें खत्म नहीं हुई, नहीं बदलाव नहीं हुआ, नहीं आप नहीं बदले, नहीं आप आगे नहीं बढ़ रहे, नहीं 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 है, ठीक है। ये इंसान अगर अपने आप को हील नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती तो ये बिल्कुल डेविलिश एनर्जीज में ट्रैप है, यानी कि ये अपने आप को इसी बंधन में, इसी रिलेशन में, इसी कहानी में रखना चाहता है या चाहती है कि मेरे साथ तो, या इस ये इंसान जुड़ सकता है, जुड़ रहा है, जुड़ जाएगा, इसलिए ये आपके ऊपर डिफरेंट तरीके से, नए नए तरीके से, क्योंकि पेज ऑफ सूट का कार्ड एक मैसेज की बात करता है और दूसरी बात करता है न्यू डायरेक्शन की। तो या तो कोई इंसान, या आप न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर कोई इंसान न्यू तरीके से आपको चैलेंज करना चाहता है। स्पेसिफिकली ये पर्सन हो सकता है इसका आपके साथ कोई रिश्ता ना हो, लेकिन ये आपका अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था, कोई एक्स था, या कोई आपका कोई एक्स जुड़ा हुआ है, या फैमिली मेम्बर जुड़ा हुआ है, या कोई फ्रेंड जुड़ा हुआ है, लेकिन जो एक्स है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, वो लोग आपके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कैसे वार किया जाए। ये कुछ ऐसी एनर्जीज है। सिक्स ऑफ रोड्स, आपको पता चल जाएगा, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
When they are digging in your subconscious, I was there, I am there watching everything. तो ये टावर मूवमेंट जो आया है गॉड की तरफ से आया है. यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फ्रीडम का. तो ईश्वर ने आपको ये जो फ्रीडम दी है, यानी कि कोई ना लगातार किसी ने आपके सबकॉन्शियस पे पिछले काफी लॉन्ग टाइम से काम किया है, आपके दिमाग में कह लीजिए या फिर मैंने भी आपसे बोला था ना कि स्पेल वर्क की एनर्जीज हैं. तो ये जो स्पेल आपके ऊपर किया गया है, ये आपको लगातार डेविलिश एनर्जी के साथ में जोड़े रखने के लिए किया गया था. और जब आपके साथ ये किया जा रहा था, क्योंकि आपके लर्निंग लेसन थे. ये नहीं कहना है कि मतलब ये सोच नहीं आनी चाहिए आपके अंदर कि ना अरे ईश्वर क्या करता है, ईश्वर क्या कर रहा था, ईश्वर ने क्या किया जब हमारे साथ ऐसा हो रहा था. अरे भाई, यहाँ पे बैठे हो, सुन रहे हो, सही हो, सलामत हो, आगे बढ़ रहे हो. ये यहाँ पे दूसरे कार्ड रखूंगी. आप सोचोगे यहाँ से यहाँ घुमा दिया, तो ऐसा नहीं सोचना है. जहाँ पे हो वहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे हो, ठीक है. कोई तकलीफ है, पीड़ा है, देखो क्यों हो रहा है, अपने इमोशंस को देखो. अच्छा, आप लोगों से एक बात ये कहनी है मुझे कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करते हैं, प्लीज़ 3-4 वीडियो देखा करिए लास्ट, उसके बाद जो आते हैं जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं. क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, यानी कि मैंने वीडियो बना लिया और आप लोगों को दे रही हूँ, और उसके बाद किसी बात का आपकी रिप्लाई आ रहा है, तो फिर वीडियो देखा करिए. मतलब फिर आपको लगेगा ना कि मैंने रिप्लाई नहीं किया. और अगर मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं होगा, मैं मना भी कर दूंगी, ठीक है. लेकिन किसी ने पूछा था कि रूट चक्रा में प्रॉब्लम हो रही है उनकी, अब वो बीमार हैं. तो देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर्स के पास जाइए. और अगर आपके आसपास कोई हीलर है, रेकी हीलर है, या फिर कोई ऐसा हीलर है जो इन सब चीज़ों की हीलिंग करता है या करती हैं, और आपको लगता है कि वो सही हैं आपके लिए, तो आप अपनी एनर्जी हीलिंग करवाइए. जो मुझे लगा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया. क्योंकि जब देखिए, ये डॉक्टरी की चीज़ें नहीं काम करती हैं, इस तरह की चीज़ों में तो करती ही नहीं है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, तो फिर हीलर्स काम करते हैं उस जगह पे. तो आपको किसी एक अच्छे हीलर की ज़रूरत है. लेकिन आपको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए उसको बंद नहीं करिएगा, ये मेरी आपको सलाह है. बाकी जैसा आपको सही लगे, ये डिस्क्लेमर है, क्योंकि उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. ना मुझे आपकी हिस्ट्री पता है, ना मुझे आपकी प्रॉब्लम पता है. आपने पूछा इसलिए मैंने इतना बता दिया. आप किसी डॉक्टर के साथ साथ आप किसी हीलर से संपर्क भी कर सकते हैं. कैंसर वाटर एलिमेंट, मैंने तो पहले ही कहा था वाटर एलिमेंट है यहाँ पे कैंसर. दिस रीडिंग इज योर कन्फर्मेशन. माई गॉड, ये रीडिंग आपके लिए किसी तरह का कोई कन्फर्मेशन है. आपके हार्ट चक्र पे जो बाइंडिंग ब्लॉकिंग की गई थी या करने की कोशिश की जा रही है, वो ऑलरेडी फेल है. उस पर ऑलरेडी टावर मूवमेंट आ गया है. यानी कि आप सबसे पहली चीज़ आप पूछेंगे, अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, आप प्रोटेक्टेड हैं. अपने इमोशंस को देखना है, आपको क्या फील होता है. अभी भी वुंडेड महसूस करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जाइए, अपने इतिहास को देखिए. आपके इतिहास में बचपन से लेकर अब तक, देखिए इनर चाइल्ड में ना यही होता है. आपको अपनी एज में, इनके बचपन से लेकर बड़े होने तक, आपको ये देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ आपके जीवन में बड़ी घटनाएं हुई या छोटी घटनाएं हुई जहाँ पर आपको चोट पहुँची. बहुत टाइम लगता है इसमें, लेकिन अगर आपने एक बार ये प्रोसीजर शुरू कर दिया, तो आप अपने बचपन से स्टार्ट कर सकते हैं. या आप पहले उन घटनाओं को ले सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं. और अपने हर्ट को देखना आसान नहीं होता, इसलिए जब भी आप ये चीज़ें करें, या तो अगेन आप किसी थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं. और अगर आपको ये लगता है कि मेंटली इमोशनली आप प्रिपेयर नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, और फिर आप करते हैं, तो इमोशनली ट्रिगर हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है. तो प्रॉपर देखरेख में करें. अगर आप खुद हीलर हैं तो आप कर सकते हैं. और कई बार जब हम हीलर होते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है कि एनर्जीज को लेते रहने की वजह से, पकड़ते रहने की वजह से हीलर्स को हीलिंग की ज़रूरत होती है. फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू कन, माई गॉड, मैंने भी आपसे क्या बोला था, डिफरेंट तरीके से आपको चैलेंज करना चाहते हैं. थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपका मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए. और देखिए, मैसेजेस को कंफर्म करने की बात है ना, यहाँ पे पहला ही, यहाँ पे ये कार्ड ही क्या कह रहा है, दिस रीडिंग इज योर कन्फर्मेशन. फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू कनेक्ट विद यू, तो आपसे जुड़ने के डिफरेंट तरीके अपना रहे हैं. साम दाम दंड और भेद अपना रहे हैं, यानी कि आपके साथ में या तो बराबरी का व्यवहार किया है या करने की कोशिश कर सकते हैं. यानी कि ये इंसान, ये जो भी लोग हैं, या मेल या फीमेल, ये जो भी हैं, चाहे आपके फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कोई भी लोग हैं, ये जल्दी ही आपसे या तो कॉन्टैक्ट करने वाले हैं या करना चाहते हैं. पास्ट इज डेड फॉर फॉर एवर नाउ, मर चुका है पास्ट, कुछ नहीं है. जिंदा करने की कोशिश करनी बेकार है, चाहे कोई करे. इसलिए इनको, इसलिए ये ग्रीफ में है कि अरे ये कैसे हो गया. तो साम दाम दंड भेद, तो आपको हो सकता है किसी तरह से टॉर्चर करने की कोशिश करें. टॉर्चर इन द सेंस कि आपकी, जैसे हम देखते हैं अपनी रीडिंग्स में कि आइडेंटिटी का यूज़ किया है ये और वो, कोई कोर्ट केस है, कहीं नाम पर कुछ कर लिया, कुछ भी, जो भी हो. अगर आपको कानून का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल कीजिए. अगर आपको किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट करनी पड़ती है, बिल्कुल कीजिए. किसी के खिलाफ कोई फैसले करने पड़ते हैं, बिल्कुल कीजिए.
डरना घबराना या पीछे हटना नहीं है, क्योंकि आप अगर सही हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। और आपको प्रॉपर जो एडवाइसेज हैं वो लेनी है, यानी कि चाहे आपको वकील से मिलना पड़े, जज से मिलना पड़े, इससे उससे, जिससे, सोशल मीडिया पे जाना पड़े, जो तहलका मचाना पड़े आप वो मचा दीजिएगा। लेकिन अगर आपके साथ में कोई गलत करने की, आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है साम दाम दंड भेद का, ये यही होगा। पहले आपसे प्यार से बात की जाएगी, फिर आपको खरीदने की कोशिश की जाएगी किसी ऑफर के द्वारा, लव ऑफर के द्वारा, क्योंकि इमोशंस के कार्ड है ना, या फिर ऐसी चीज़ों के द्वारा बाई चांस कोई एक्स है आपका, प्यार दिखाने की कोशिश करे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें वो दे दूंगा, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा या ये कर दूंगी, फिर आपको दंड देने की कोशिश करे बाई चांस। आपकी कोई फोटोग्राफ है, आपका कोई वीडियो है, कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, 1% के 100वें हिस्से में भी आपको ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात तो मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी से ब्लैकमेल होते हैं ना, तो फिर वो आपको और करता है, फिर वो आपको और करता है, पहली बार में ही उस चीज़ को कट करने की ज़रूरत है। कोई आपसे ये बात करता है, सीधा उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर डालिए, सीधा डालिए उसके खिलाफ, आप जो भी कोर्ट केस करना चाहें, आप किसी झूठे कॉन्ट्रैक्ट में कोई फंसा रहा है, आपकी साइन का यूज़ किया है, कभी आपको पैसा दिया है और ये कह रहा है कि ब्याज भी दिया था, ज़्यादा पैसा मांग रहा है, या फिर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ या दे रही हूँ या मैंने तुम्हें दिया था, अब तुम मुझे वापस करोगे ब्याज समेत, क्यों करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साइन का यूज़ किया है, कोर्ट में ले जाइए उसे। जितना जो हो सके कीजिए, और आपको आपको हो सकता है भड़काने की कोशिश करें, आपको किसी से अलग करने की कोशिश करे, आपके लोगों के खिलाफ आपको भड़काने की कोशिश करे, या किसी और पे कोई बात डालने की कोशिश करे, तो जो भी आपके साथ में वैसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से वैसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से मुझे ऐसा लगता है, मुझे इंटरनली फील होता है हमेशा, कि जब मैं आप लोगों को ये बात बोलती हूँ ना, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो एंटी हैं और वो भी सुनने आते हैं, ठीक है। तो जब वो ये सुनते हैं ना, वो अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो चेंज कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, ये बस याद रखिएगा, आपका पास्ट जो है डेड हो चुका है, इस पास्ट में से जो भी उठ के और उभर कर आता है उससे आपका कोई मतलब नहीं है। बस इतनी सी बात भी अगर आपने याद रख ली ना, तो बहुत है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज हो सकता है, यानी कि आपको किसी तरह की, मुझे ब्लैकमेलिंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही हैं, ये ब्लैकमेलिंग इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, कभी आप इसके साथ घर बसाने का इंसान के साथ सपना देखते थे, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। आपके इमोशंस के साथ में खेलने की कोशिश की गई है, की जा रही है, या फिर आपको कोई दुहाई दी जा सकती है, तो किसी दुहाइयों में पड़ने की जरूरत नहीं है, ना ये समय है ना ये सिचुएशन है, टॉरस झांक रहा है यहाँ से, क्योंकि दुहाइयाँ इसलिए दी जानी है ना आपको, ये कार्ड थोड़े उल्टे सीधे हो गए, दुहाइयाँ इसलिए दी जानी है आपको क्योंकि आप आगे बढ़ गए, फ्री हो गए ना, तो फ्री आपको फ्री होते हुए देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बता दिया है मैंने आपको, बस किसी भी तरीके से भूलना नहीं इस बात को, ठीक है, भूलना नहीं पड़ी। मैं मुझे लगता है मैं ठीक है बहुत बार बोल देती हूँ, मुझे कई बार एडिट भी करना पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच स्टेटमेंट। तो अगर आप मेरे वीडियो में ठीक है ज़्यादा सुन ले तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। हाँ, दे वॉन्ट दिस पर्सन टू बी फियरफुल ऑफ यू ओनली मनी माइंड सेट। तो ये किसी कैंसर को, या तो आप कैंसर हो सकते हैं, ये जो आ रहा है या आ रही है ये कैंसर हो सकता है, या आपके आपके आसपास कोई कैंसर व्यक्ति हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कैंसर एक एलिमेंट भी है जो कि आपकी फैमिली की, आपकी मदर की, या आपकी मदर की एनर्जीज भी हो सकती हैं, मदर की फैमिली की बात करता है, तो ये आपके, और यहाँ पर 10 of Cups का कार्ड भी फैमिली की बात करता है, आपकी फैमिली को किसी ने या तो वुंडेड देखिए करने की कोशिश की है, या फिर ये आपका कोई फैमिली मेंबर है जिसने आपके जीवन में ये चक्रव्यूह और षड्यंत्र, ये एनवी बन के रचा है, ठीक है। ये कोई बच्चा भी आपकी फैमिली का या आपके किसी फैमिली मेंबर का हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में ये तहलका मचा रहा है, या फिर मचाने की कोशिश करना चाहता है, या फिर इसको इस चीज़ के लिए तैयार किया गया है कि इसे ऐसे अटैक करना है, इसे यहाँ अटैक करना है, इसको इस चीज़ का पेन देना है। वही बच्चे बहुत तेज हैं आजकल के, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ठीक है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है, कभी भी कोई बुराई नहीं है। वैसे भी देखिए, आपके पास से कोई बच्चा आए, बड़ा आए, बूढ़ा आए, जो जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, जो आएंगे एक स्पेल वर्क के द्वारा आएंगे, करके आएंगे, या इन्होंने किया है, तो आपके जीवन में वैसे भी जिन्होंने स्पेल वर्क किया है, जिन्होंने स्पेल वर्क देखा है आप पे होते हुए मुंह बंद कर लिए, जिनको इसके बदले में कोई पैसा मिला है, जिनको इसके बदले में कोई सहारा मिला है, जिनको इसके बदले में बस आपसे दुश्मनी निभाने का मौका मिला है, ये जो भी सिचुएशन है, इसमें आप पास्ट में जाके करेंगे क्या, करेंगे क्या, ये अपने आप से पूछना है। अगर आपके साथ में कोई आपको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करता है किसी वीडियो के जरिए, किसी, पता नहीं, मुझे ब्लैकमेलिंग की एनर्जी देखिए बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है, हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है आपका कोई एक्स हो, कोई एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो, एक्स सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, दूर रहिएगा इन लोगों से। अगर आपको इनके खिलाफ
कुछ भी एक्शन लेने हो बिल्कुल लीजिएगा, अगर ये आपके खिलाफ कोई एक्शन लेके आए तो बिल्कुल आपको लगता है जिनसे राय लेनी हो उनसे राय लीजिएगा। एनर्जी को देख लेते हैं, दे वॉन्ट दिस पर्सन टू बी फियरफुल ऑफ यू ओनली मनी माइंड सेट। तो देखिए यहाँ पे या तो किसी ने, अगर कोई इंसान आपके पास में, कोई एक्स या कोई पुराना पर्सन आपके साथ पास में पास्ट का आना चाहता है, तो देखिए यहाँ पे ना साम दाम दंड भेद, तो यहाँ दो लोगों की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे कोई इंसान अपनी डेविल के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर ये कोई इंसान चाइल्डिश होकर आपके आपकी चीज़ों को ओवरलैप कर लेना चाहता है, यानी कि आपकी जगह या तो आ जाना चाहता है, को ना चाइल्डिश बनाना चाहता है कोई इंसान, यानी कि खुद जो उसकी एनर्जीज है ना, या एनर्जी प्रोजेक्शन भी है, तो कोई आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट करना चाहता है कि आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आप या फिर कोई और इंसान जो आपसे जुड़ा हुआ है या फिर जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है उसको पैसा चाहिए। यानी कि यहाँ पे ना डिफरेंट वेज है ना, डिफरेंट तरीके हैं कनेक्ट होने की, तो कैसे आपको डराया जाए, कैसे आपको पहले बराबर में रखा जाए, और होगा यही साम दाम दंड भेद भी होगा। अगर आप ये खुश होंगे कि ये पास्ट का इंसान आके वो बहुत लवी डवी हो जाएगा, मेरी जिंदगी में रौनक आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, आएगी बाहर आएगी, उसके बाद फिर दाम दिया जाएगा, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, फिर आपको दंड मिलने शुरू होंगे और फिर मतभेद होकर आप और वो दोबारा अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप किसी पास्ट के एक्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं या फिर आप जुड़ेंगे, ये इंसान बहुत पुशी होगा, यानी कि ये इंसान मेल या फीमेल जो भी होगा या होगी, ये आपको पुश करेगा इस चीज के लिए कि आप इसके साथ में, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, यानी कि किसी नए इंसान को इस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको किस तरह से फिजिकली अपने साथ अटैच किया जाए। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, आपके साथ में कोई फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहेगा, और अगर कई लोग ऐसे होंगे सुन के खुश हो रहे होंगे, ओहो बहुत अच्छी बात है, नहीं 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 ये होगा उसके बाद में जब आप देखेंगे ना, अगर आपको दूर से नहीं दिखाई दे रहा है, पास से दिखा देती हूँ ताकि आपके भ्रम उतर जाएं, ये होगा आपके साथ में, ये होगा, ऐसे रो रहे होंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, अब आपकी मर्जी है, क्योंकि ये रीडिंग आपका कन्फर्मेशन है। ठीक है, दिस रीडिंग इज योर कन्फर्मेशन। कुछ चीज़ें जो आपको पहले से पता हैं, अगर आपको ये लगता है कुछ बातें आपको पहले से पता हैं और इस रीडिंग में नहीं आ रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए इस बात का कन्फर्मेशन है कि तो वो चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि, हालांकि बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। मैंने आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत सारी प्रेयर्स की हैं, बहुत सारी प्रार्थना की है ईश्वर से कि क्लैरिटी दे सभी को, तो होप कि आपको भी कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिले। रिटर्न टू सेंडर, यू आर प्रोटेक्टेड, दिस रीडिंग इज योर कन्फर्मेशन। तो आपकी तरफ जो एनर्जीज भेजने की कोशिश है, आपके सब कॉन्शियस के साथ खेलने की कोशिश है, आपको ग्रीफ की एनर्जी में डालने की कोशिश है, आपकी तरफ आने की कोशिश है, सब रिटर्न टू सेंडर हो रहा है। यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो ये मैसेज नीचे गिरा है, पेइंग रिसीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू रॉब योर एनर्जी, अभी दिखाया था ना आपको। तो या तो किसी को पे किया गया है या किसी ने रिसीव किया है बहुत बड़ी अमाउंट आपकी एनर्जी को रॉब करने के लिए, आपकी एनर्जीज को चुराने के लिए, और इसलिए वो चीजें रिटर्न टू सेंडर हो गई हैं। यानी कि किसी बड़े इंसान को, दूर दराज के इंसान को, या अपने फील्ड में एक्सपर्ट इंसान को, या किसी बच्चे को, यानी कि किसी को सिखा कर कि तुम इस चीज को करो, तुम्हारी एनर्जीज ऐसी है ना, तुम्हारे बारे में नहीं पता चलेगा। तो ईश्वर जब है जहां पे तो सब पता चलेगा। तो एक्चुअली ये आप में से कुछ लोगों के लिए रिसेंट पास्ट की घटना है, यानी कि अभी इन दिनों में आपके साथ ये कुछ हुआ है। ठीक है, बाइंडिंग द हैंड्स, ओ हो, मैंने आपसे कहा था ना कोई बाइंडिंग स्पेल है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कैसे आभार प्रकट किया जाए पता नहीं। यू फीड देम, हेल्प देम, केयर फॉर देम, तो ये वो लोग हैं, इनको आपने खिलाया है, इनकी आपने मदद की है, इनकी आपने केयर की है। एक ना बहुत बहुत बड़ी बात है, जैसे आप किसी की पैसे से, मान लीजिए आपने मदद की, आप कोई काम करते हैं, कुछ छोटा थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके पास थोड़ा पैसा बचता है सारे खर्चे निकालने के बाद में, कोई आप मेल पर्सन है, ठीक है, या फीमेल हैं, जो आपके पास अपना कुछ बचता है, जब आप उसमें से किसी की मदद करते हैं, और आप वो पैसा आप अपने पे भी खर्च कर सकते थे, सिर्फ अपने लिए भी रख सकते थे, तो आप या तो किसी और के बच्चों पर, या किसी भाई पर, किसी बहन पर, किसी दोस्त पर, किसी माँ बाप पर, अपने पर आए किसी पर भी, जाने अनजाने लोगों पर, दोस्तों पर, साथियों पर आप खर्च करते हैं, है ना, और एक दिन वो आपसे उठ के ये कहते हैं कि
एक और किसी दिन वो उठकर आपसे ये कह दें कि ये पैसा तो आपका नहीं है, ये पैसा तो आपको अगर आप हाउसवाइफ हैं आपके हस्बैंड ने दिया था, या फिर आपको तो ये पैसा वहां से मिला था, उस इंसान ने आपको दिया था। लेकिन जो लोग भी ये कहते हैं ना, जैसे एक बच्चा आपको अपने पैसे जमा करके कोई गिफ्ट ला के दे और आप उस बच्चे से ये कह दो कि तेरे माँ बाप ने तेरे को पैसे दिए थे या लोगों ने आते जाते दिए थे तेरे को पैसे, अगर तू गिफ्ट लाया भी था जीवन में हमारे लिए या लाई भी थी तो हमारे लिए जीवन में, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तूने पैसा थोड़ी ना कमाया था। ये कुछ ऐसा ही है, आपने उन लोगों की मदद करी जिन लोगों की मदद करने के लिए आपकी जेब का वो पैसा गया, आपका वो समय गया, आपका वो फिजिकली प्रेजेंट होना गया, जो कि ये लोग डिजर्व नहीं करते थे। डिजर्व इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उसी उन्हीं हाथों को बांधने की कोशिश की जिन्होंने उन्हें खिलाया, जिनके द्वारा मदद की गई, जिनके द्वारा केयर की गई। देखिए, हो सकता है आपको लगे मेरा रीडिंग करने का तरीका थोड़ा दूसरा है, तो हाँ थोड़ा सा है डिफरेंट, तो ऐसा ही है। देयर वर्क इज टू ट्रैप इनोसेंट पीपल एंड रॉब देयर एनर्जीज। तो रॉबिंग की यहाँ पे एनर्जीज है, तो किसी को पैसा दिया गया है आपकी एनर्जीज को रॉब करने के लिए, जैसे कि हमने देखा ही था। तो इनका काम ही यही है, यानी कि किसी प्रोफेशनल को हायर किया गया है या किसी ऐसे लोगों को हायर किया गया है जो कि इनोसेंट लोगों की एनर्जीज को रॉब करते हैं, उनको इन चीज़ों में ट्रैप रखते हैं, स्पेसिफिकली पास्ट की रिलेशनशिप में या फिर उनके साउथ नोड में। क्योंकि इस कार्ड के जो नीचे ही कार्ड है, ये कार्ड है नॉर्थ नोड का, तो आपको जैसे कि ये है ना, इसके नीचे कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ट्स का और इसके नीचे कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड का, तो आपको बेसिकली इस एनर्जी में रखने की कोशिश है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज हैं जो कि 11 नंबर का कार्ड है, इस 10 के ऊपर ये एक 11वां नंबर भारी है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज हैं, जस्टिस की एनर्जीज हैं, कर्मा की एनर्जीज हैं और बैलेंस की एनर्जीज हैं। तो आपकी लाइफ में ये आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं लोग, इसलिए साम ताम दंड भेद हर चीज अपना रहे हैं, आपको वुंडेड कर रहे हैं, आपके हार्ट को हैवी कर रहे हैं, आपके लिए कामों को करना मुश्किल कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि रिटर्न टू सेंडर है सारी चीज़ें, इसलिए आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। दे डोंट वॉन्ट यू टू से ट्रूथ कटिंग यू विद एवरीवन, तो नहीं चाहते हैं कि, और देखिए यहाँ क्या मैसेज किया, एक्सपर्ट इन ब्रेकअप स्पेस फाइनेंस सक्सेस है, तो चीज़ों को ब्रेक करने के लिए वही ना साम ताम दंड भेद, तो ऐसे लोगों को पैसा दे रहे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इनोसेंट हैं या नहीं है, बस उनको अपना काम अपना नाम पूरा करना है और पैसे बड़ी अमाउंट दी गई है आपकी चीज़ों को खराब करने के लिए, आपको रॉब करने के लिए, आपकी एनर्जीज को बाइंड करने के लिए। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है पास्ट में, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं, एनर्जीज रिटर्न टू सेंडर हो गई हैं या हो जाएंगी। ठीक, परेशान नहीं होना है। थैंक यू सो वेरी मच डीडी भाई। अच्छा, आप में से कुछ लोग कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंटर लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख दूंगी रिटर्न टू सेंडर। और जब आप में से कुछ लोग ये लिखते हैं ना कि मैम रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए, मैं नहीं करती हूँ, अपनी स्पिरिचुअल टीम को कही है, क्योंकि आपके रिटर्न टू सेंडर में मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ प्रेयर कर सकती हूँ, वो मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन आपके रिटर्न टू सेंडर में आपकी स्पिरिचुअल टीम या आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे, या जिनको भी आप मानते हैं अपने धर्म के अनुसार। दिस फैमिली मेंबर इज सो मच ऑब्सेस्ड विद योर सक्सेस वर्क कॉपिंग यू। फैमिली की एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि कब का कार्ड है, तो ये कोई फैमिली मेंबर है, मेल है या फीमेल है, ये जो भी है, या फिर ये कोई चाइल्डिश एनर्जीज हैं, चाइल्ड की एनर्जीज हैं जो कि डेफिनेटली इमेच्योर हैं, या फिर आपसे उम्र में ये इंसान बच्चा है या छोटा है, जो भी है, ये जो फैमिली मेंबर है इससे आपकी एनर्जीज का बहुत सारा, और देखिए मदर भी हो सकती है क्योंकि कैंसर है, तो जिसके साथ रेजोनेट ले लीजिएगा। ये इंसान आपके काम से, आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हुआ पड़ा है या हुई पड़ी है। इस इंसान ये लगातार आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को कॉपी करते हैं ताकि ये दिखा सकें कि ये आपके जैसे हैं। देयर टारगेट इज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड दैट दे आर बेस्ट इन एवरीथिंग। तो ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट को हर तरीके से चुरा कर, आपसे छुड़ा कर, आपकी चीज़ों में डिगिंग कर, आपको बाइंडिंग ब्लॉकिंग कर, आपके हार्ट्स के वुंड को उठाकर ये दिखाना चाहते हैं कि बस यही अच्छे हैं, यही बेहतर हैं और यही जानते हैं कि क्या हो सकता है। भाई बहुत कमाल है, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। तो रिटर्न टू सेंडर हो गया है, ये रिसेंट में हुआ है आपके साथ, ये करने की इन्हीं दिनों में कोशिश हुई है आपके साथ में। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू, और तो आपके लिए बहुत ही जल्दी हीलिंग आ रही है, या फिर आपको हीलिंग के एनर्जी से ब्लेस कर रहे हैं आर्कएंजल राफेल और माइकल, और आपसे ये कह रहे हैं कि आपके स्ट्रेंथ को वो बढ़ा रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है, इसलिए जो भी
टावर मोमेंट आपके ऊपर लाने की कोशिश की गई है वो यहाँ पर रिटर्न टू सेंडर हो गया है. एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस. आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस. वट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज वट यू आर मेंट टू बी डूइंग. तो आपको जो भी काम करते हुए खुशी मिलती है उस काम को कीजिए. साथ ही साथ आपको आर्कएंजल माइकल यहाँ पे गाइड करेंगे आपके डिवाइन पर्पस की तरफ. यू विल मैनिफेस्ट वट यू नीड. तो आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि आप सही बात पे हैं. तो होप कि ये मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. पास्ट के लोगों से बच के रहिएगा. आपका दिमाग खराब करने की कोशिश कर सकते हैं जैसे बाहर बच्चा चीख रहा है. आपके समय बहुत बहुत शुभ हो. थैंक यू सो वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.